आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। भारत के मजबूत निर्माण का आधार जर्मन तकनीक से निर्मित थर्मेक्स क्यूएसटी बार अल्ट्रा शक्ति टीएमटी सरिया मजबूती जो खुद से बोले। गुजरात और हिमाचल चुनाव में भी मोदी मैजिक, दोनों ही राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, राहुल के अध्यक्ष बनते ही हिमाचल गया हाथ से, गुजरात भी दूर की कौड़ी। गुजरात में हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की हवा निकली। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बहुप्रतीक्षित एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। आजाद सिपाही उन नतीजों को आपके समक्ष रख रहा है। गुजरात चुनाव के संपन्न होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए। इन नतीजों में गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। इन नतीजों ने विरोधी दलों के साथ साथ मीडिया को भी चौंकाया है। विरोधी ये मान रहे थे कि राहुल के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें खुशखबरी मिलेगी, लेकिन नतीजा उल्टा दिख रहा है। उनके अध्यक्ष बनते ही हिमाचल भी उनके हाथ से जाता दिख रहा है, जबकि गुजरात तो दूर की कौड़ी पहले से था। यहां हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी की जोड़ी भी कोई खास फायदा कांग्रेस को नहीं दिला पाई। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद गुजरात में लोग कहने लगे हैं कि हार्दिक पटेल बलून हैं, कांग्रेस के हवा भर देने से वे फुटबॉल नहीं बन जाएंगे। एग्जिट पोल के नतीजों से यहां हिमाचल में कांग्रेस को हटाकर भाजपा सत्ता पर कब्जा करने जा रही है। वहीं गुजरात में पिछले 22 साल से काबिज भाजपा की सत्ता बरकरार रहेगी, इसके संदेश स्पष्ट हैं। एबीपी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, इंडिया न्यूज और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में गुजरात में भाजपा को 99 से 115 सीटें मिलती है दिख रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, इसके आसार दिख रहे हैं। बताते चलें कि पूरे देश को गुजरात के एग्जिट पोल का इंतजार था। एक बड़े वर्ग को ये लग रहा था कि जीएसटी के बाद गुजरात में बड़ा फेरबदल होगा, लेकिन नतीजे इसका संकेत बिल्कुल नहीं देते। बीते 22 सालों से सूबे की सत्ता में काबिज भाजपा को एक बार फिर 5 साल के लिए बहुमत के साथ सत्ता मिल सकती है। पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी पैदा करने वाले इस राज्य के चुनाव में बीजेपी को 108 सीटों के साथ बहुमत मिलता दिख रहा है। 182 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सरकार गठन का जादुई आंकड़ा 92 है। वहीं बीते चुनाव के मुकाबले इस बार मजबूती से लड़ने के बाद भी कांग्रेस को 74 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को पाटीदारों के असंतोष समेत अन्य स्थानीय मुद्दों से बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि बीते चुनाव के मुकाबले उसे 13 सीटों का फायदा हो सकता है। पिछली बार उसे 61 सीटें ही मिली थीं। दूसरी तरफ पिछली बार 115 सीटों के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी को इस बार कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी दल बीजेपी 47.4% वोटों के साथ एक बार फिर वापसी करने की ओर है। कांग्रेस को 43.3% वोट मिलने की संभावना है। 2012 के चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी के वोट शेयर में कड़े संघर्ष के बावजूद सिर्फ 0.4% की कमी आ सकती है। पिछली बार बीजेपी को 47.3% वोट मिले थे, हालांकि कांग्रेस के वोट शेयर में 4.7% का इजाफा हो रहा है। पिछली बार कांग्रेस को 38.8% वोट मिले थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आने में अभी 3 दिन बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। NBTC वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक 68 विधानसभा सीटों वाले पहाड़ी राज्य में 41 सीटों के साथ कमल खिल रहा है। बीजेपी को 35 सीटों के जादुई आंकड़े से
छह सीटें अधिक मिल रही हैं, वहीं सत्ताधारी कांग्रेस को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। दो सीटें अन्य के खाते में जा रही हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की गई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 47 या 55, कांग्रेस को 13 से 20 और अन्य को दो सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 55 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को केवल 13 सीटों से संतोष करना पड़ेगा। बीजेपी के लिहाज से देखें तो उसके लिए ये पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ी बढ़त है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 26 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस ने 36 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। बीजेपी को इस बार 15 सीटें अधिक मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 11 सीटें कम मिल रही हैं। अन्य को 6 की बजाय 2 सीटें ही मिल पाएंगी। आइए देखें अलग अलग एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े विस्तार से। आजाद सिपाही के खबर विशेष में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप राहुल सिंह के साथ इवनिंग हेडलाइंस जरूर देखें, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।